यार बहुत कमज़ोरी हो रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि बहुत हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा ब्लड नहीं है शरीर के अंदर। शायद मेरे को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लगाना ही पड़ेगा। नेहा को बुलाता हूँ, वही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लगाएगी। तो जैसे अभी मेरे को कमज़ोरी हो रही थी, ऐसे ही सेम सभी किडनी पेशेंट को कमज़ोरी होती है। और ये कमज़ोरी होने का कारण होता है शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, साथ में हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाना। किडनी पेशेंट के साथ एक समस्या होती है कि उसके शरीर में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन नहीं बन रहा होता है। कारण होता है उसकी किडनी काम नहीं कर रही होती है। इसको एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं। ये इंजेक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का। ये किडनी पेशेंट के शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, साथ में हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है। और ये हर किडनी पेशेंट को लगाना चाहिए। इसको लगाना कैसे है मैं भी आपको दिखाऊंगा। नेहा मुझे लगा के दिखाएगी, नेहा मीन्स मेरी वाइफ मुझे लगा के दिखाएगी कि कैसे इसको लगाना चाहिए। और ये कम से कम हफ्ते में 2 इंजेक्शन एक किडनी पेशेंट को लगाने चाहिए। और क्यों लगाने चाहिए? ताकि उसका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो सके, रेड ब्लड सेल्स मेंटेन हो सके, उसके शरीर में जो प्लेटलेट्स काउंट्स हैं वो बराबर बने रहें। क्योंकि किडनी ख़राब होने के बाद एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन नहीं बनता है, जो हमको बाहर से खरीद करके एरिथ्रोपोएटिन लगाना पड़ता है। ये आपको 4000 IU का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन मैं हफ्ते में 2 लगाता हूँ, तो आप भी ये इंजेक्शन खरीद के हफ्ते में 2 ज़रूर लगाएं। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि इसको लगाना कैसे होता है। अरे नेहा आराम से लगाइए, मुझे ना बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, दर्द नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, छोटी सी तो नीडल है, इसमें डरने की क्या बात है, ये तो खुद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे ना सैनिटाइजर से भी साफ कर लेती हूँ ताकि स्किन में जो भी गंदगी हो निकल जाए। और ये इंजेक्शन आपको अपनी मसल्स में लगाना है, जहाँ पे बिल्कुल मास होता है, खाल बिल्कुल ढीली होती है। तो ये इंजेक्शन हमने फ्रिज में से निकाल लिया था, तो इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। जब हम फ्रिज में से निकालते हैं इसको ओपन करने के बाद, तो यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसकी हल्की को ओपन करेंगे हम इसकी नीडल को। तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी पतली सी नीडल है, बहुत पतली सी नीडल होती है। बहुत इजीली आप इसे घर पर भी लगा सकते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इसकी एयर भी हम अभी अपने हाथ से निकाल लेंगे, इसके अंदर एयर भरी होती है, वो आप धीरे से हल्के से प्रेस करके निकालें ताकि दवाई इसके बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो यहाँ आपको जहाँ भी आपकी स्किन लूज हो, खाल हो, हड्डी के पास बिल्कुल नहीं लगाना है और इसको इस तरीके से लगा देना है। ठंडा नहीं होता है, इसको रगड़े नहीं कभी भी, खाली बस इसको पोंछ दें। और इसको आप अपने पेट पे भी लगा सकते हैं, पेट में जहाँ तुड़ी होती है उसके बगल में लगा सकते हैं। और आप अपने यहाँ पैर पे भी लगा सकते हैं, जो आपकी टांगे होती हैं, जहाँ जांग होती है वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। और ये इंजेक्शन आपको हफ्ते में 2 लगाना है, आपका कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और ये इंजेक्शन जो होता है इसकी MRP बहुत ज़्यादा लिखी होती है, इसकी MRP इस पर 1300-1500 ऐसे होती है। और ये इंजेक्शन जब आप किसी अच्छे हॉस्पिटल के पास, सरकारी हॉस्पिटल के पास से लेते हैं, तो ये इंजेक्शन आपको 150 का 200 का ऐसे आपको मिल जाता है बड़ी आसानी से। अगर नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से लें, तो आपको इंजेक्शन एकदम सस्ती क्वांटिटी में मिल जाएगा और सस्ते रेट पर मिल जाएगा। और ये इंजेक्शन आप ज़रूर लगाएँ और इसको हमेशा फ्रिज के अंदर रखें, कभी भी इसको ज़्यादा गर्म ना होने दें, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो ऐसा करेंगे कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपके कुछ काम आएगी। और आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आप आयरन की टेबलेट भी खाते रहें साथ में, और आयरन का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएँ जो डायलिसिस पेशेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम दोनों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।